हापुड़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर हापुड़ नगर की समस्याओं के हल की मांग की और कहा कि नगर को जलभराव से मुक्ति दिलाना जरूरी है। शहर कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष अभिषेक गोयल और भूतपूर्व विधायक गजराज सिंह अन्य कांग्रेस जनों के साथ शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस पर पहुंचे और मांग की कि स्वतंत्रता दिवस से पहले पंडित नेहरू की प्रतिमा का जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण कराया जाए। भूतपूर्व विधायक गजराज सिंह ने नगर की सफाई व्यवस्था, गंदे पानी की निकासी, पेयजल आपूर्ति और बिजली कटौती को उठाते हुए जन समस्याओं के निदान की मांग की। जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा ने समस्याओं के निदान का आश्वासन दिया है। थोड़ी सी बारिश में पूरा शहर डूब जाता है, सफाई कर्मचारी एक्चुअली ये जो रोड है इसका जो पानी की निकासी है वो कहीं पे है नहीं, तो उसके लिए HPDA से एस्टिमेट बनवा लिया है, आगे उसको काली नदी में डलवा रहे हैं। ठीक है, इस साल एस्टिमेट होके अब काम शुरू हो जाएगा, अगले साल तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। अच्छा, जब आप ऑफिस आती हैं और मुश्किल से 500 मीटर का जो बीच में डिवाइडर है वो क्षतिग्रस्त है सारा, और अब इतना बुरा लगता है जैसे कोई शहर के अंदर आदमी आता होगा तो आगे तो अच्छी व्यवस्था है, पीछे सारा का भरन जैसे चौपड़े से आगे वो क्षतिग्रस्त है सारा, वो उसका डिवाइडर भी ठीक से रेलिंग मेरे लिए अच्छा हो जाए। इसमें आपूर्ति मुख्य चौराहे पर नेहरू जी की प्रतिमा लगी हुई है, उसके संदर्भ में थोड़ा सा बता आपसे निवेदन करना चाहते हैं। 1526 जनवरी को हम कांग्रेस के लोग वहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जलसा आयोजित करते हैं, तो वहाँ मूर्ति की जो टाइल्स हैं और मूर्ति का नीचे बैठी है पानी नीचे बैठ गई है, तो अभी आने वाले 15 अगस्त को हम लोग कार्यक्रम वहाँ हमेशा हर वर्ष रहता है, इसलिए निवेदन था कि थोड़ा रिपेयर हो जाती है, पत्थर बैठ गया है नीचे बैठ चुका है, मेहरबानी। आपके पास कितने हैं नहीं है तो अपनी डिमांड जो है वो बताइए।